चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। दिन के समय में तेज धूप से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की बारिश की भी संभावना है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल कैसे रहने वाला है। IMD के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते हल्के बादल, बूंदाबांदी, तेज हवाएं और गर्मी का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। हालांकि इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में आज दिन के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज सतही हवाएं चलेंगी और रात में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद 4 और 5 मई को एक बार फिर से तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार 30 अप्रैल को नोएडा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, वहीं अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी। इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक गाजियाबाद में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इस पूरे हफ्ते गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी आसमान साफ रहेगा और बारिश होने के कोई आसार वहां नहीं है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान गुरुग्राम ने 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। तो जहां एक तरफ मौसम विभाग ने यानी कि IMD ने दिल्ली NCR में हल्की बारिश का अनुमान जताया है, वहीं गुरुग्राम में आसमान साफ रहेगा और बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज स्टेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ नेशन।